ये पहला ऐसा पार्क है पूरा हिंदुस्तान में, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके इसको मिसाल के तरह मिसाल के तौर पे लेके हर स्टेट हिंदुस्तान में हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे पार्क बनाएंगे आगे जाके। आई कॉम्प्लीमेंट आयशा एंड हर एंटायर टीम, बिकॉज आई थिंक विदाउट देयर पार्टिसिपेशन, विदाउट देयर सपोर्ट, अ प्रोग्राम लाइक दिस कैनॉट हैपन। बिकॉज नो मैटर हाउ गुड एन इंटेंट द गवर्नमेंट हैज, अनलेस यू फाइंड अ आइडियल पार्टनर, ऐसे काम आराम से आसानी से नहीं होते हैं। तो ग्रीन स्कूल जो आप चला रही हैं, और उसके अलावा जो आपका पूरा टीम है, यहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ पे ना सिर्फ एक पार्क बल्कि यहाँ पे 11 इंस्ट्रक्टर यहाँ पे हैं, स्पीच थेरेपी के इंस्ट्रक्टर हैं, फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रक्टर हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का भी यहाँ पे तालीम दिया जाएगा, और जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और हु वॉन्ट टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन लाइफ, उनके लिए पूरी तरह से एक सपोर्ट सिस्टम आपने जो बनाया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आयशा। आपका ये जो काम यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, हैदराबाद में और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ऐसे पार्क बनाए जा सकते हैं। तो मैं बलाला साहब से सहमत हूँ कि मलकपेट में जो बच्चे हैं उनके लिए और भी कुछ करना है तो जरूर करेंगे। इसके अलावा भी हैदराबाद में बहुत सारे जगह हैं, बट यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरेस्ट होना जरूरी है, उनका वहाँ के लोकल MLA लोकल MP उनमें भी दिलचस्पी होना है, उनमें भी इंटरेस्ट होना है कि आगे आके जैसा आपने काम किया उनमें भी एक जोश अगर हो तो सरकार पूरी तरह से गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है।